अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ सागी वो पहले वाली डारकी में। अभी जो है हम खेत में बैठे हैं, आज मौसम भी माशाल्लाह घूमने जैसा है। और ये आपको दिखाता हूँ, अभी इतने बिजी हैं कि जो है ये मथुआड़ जो है ये इधर ही कतरे है। सुबह सवेरा वो गुलजार भाई आ गया था इधर खेत में, और पीछे जब्बार कैंची और फणी लेके आया है, और यहीं पे मथुआड़ काट रहे हैं। और जो ज़मीन जो कल की बरसात में जो ख़राब हुई है, उसमें दोबारा हम बीज लगाएंगे, शायद उग जाएं और टाइम के अंदर ही तैयार हो जाएं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे गुलजार के ये मथुआड़ ला रहा है, ये आपको वीडियो में दिखा देता हूं। मलुक भी आया है घूमने, इसकी बनी तो इधर नहीं है। कहाँ पर आपकी बनी है? उधर है भाई। किधर है, किस जगह है? साइड है बाबा। अच्छा, यहाँ पे क्या करने आया हो? ये ऊँट चरण आया है। ऊँट किधर है आपका? ये बेटा है इधर पीछे। अच्छा, ये आपको इसकी खेत में आने देते हैं या इसकी खेत? नहीं नहीं, नहीं 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 भाई नहीं। फिर आपका ऊँट इस खेतों में क्यों ले आया हो भाई? बरसात कर अच्छा 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 दब पोता है। सही सही सही। तो अभी ये मेरा कजन फारूक भाई बैठा है, और ये जब्बार है। जब्बार इसके जो गुलजार के वार ठा रहा है, और इतना टाइम नहीं मिलता कि ये घर बैठ के या किसी नाई के पास जाके बाल कटवाएं, क्योंकि अभी जो बारिशों का मौसम है तो इनको टाइम मिलता नहीं है। अभी यहीं पे ये जो है पूरे क्षेत्र में किन कर रहे हैं और मथुआड़ ठा रहे हैं। पर ये असल में क्या है कि माशाल्लाह ये जो है ना, इतने थर वाले जो मेहनती हैं, इनको जो है ये वेस्ट टाइम जो है ना, इसको इनको बुरा लगता है। ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना अपने खेतों में दें, ताकि मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे तो उतने फसल जो हैं अच्छे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं काके मलूक के साथ, आगे पता नहीं कहाँ पर जा रहा है। कहाँ जा रहे हो काका मलूक? ये घास निकालने जा रहा है। और अभी क्या है कि कल बरसात हुई है, तो अभी जो इसको घास निकालने को ये थर में जो लेदान बोलते हैं, लेदान वो अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि इनके खेत बोलते हैं कि ये ऐसे ख़राब होंगे। तो अभी ये लेदान नहीं कर रहे, ये फ्री टाइम थोड़ा मिला है तो इसी में ये बाल कटवा रहा है। और कुछ हल्का हो जाएगा तो बारिश में जो है इसका मतलब ये सेटिंग अच्छी हो जाएगी। और अभी मैं आगे जा रहा हूँ, काका मलूक बोल रहा है कि इधर भरो के अच्छी वीडियो आए। ये काका मलूक आगे जा रहा है, और ये देखो अकमकड़ बैठा है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखे अकमकड़ बैठा है, और काका मलूक ये पता नहीं क्या करने जा रहा है आगे। और हमारा वो कासिया भी आया है, मेरा कज़न है, वो आया है ये अपना खेत में जो जहाँ पे बीज वगैरह ख़राब हुए हैं वहाँ पे जो लगाने जा रहा है अपना, एक एक दाना लगाएगा ताकि वो सेटिंग में आ जाए। और अभी हम जा रहे हैं वहीं की तरफ। अभी आज तो हवा भी ज़्यादा है और मौसम भी माशाल्लाह पूरा तैयार है, घूमने के लायक है। देख सकते हैं पूरी रौनक, मज़ेदार मौसम लगा हुआ है। और अभी ये ग्वार चुंगी की तरह, जैसे ये जो है कपास के बीज लगाते हैं या उसकी तरह, ये यहाँ पे एक एक दाना लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे ऊपर तो जैसे थर की ज़मीन है नरम होती है, यहाँ पे काठी मतलब पक्की ज़मीन है। अभी यहाँ पे ये एक एक दाना लगा रहे हैं ताकि हो सकता है यहाँ पे बीज लग जाएं, और काटने के टाइम जो बड़े फसल हैं वो शायद तैयार हो जाएं, और दूसरे जो नीचे छोटे छोटे दाने हो ऐसे तो पक्के हैं शायद नहीं, फिर भी ये सब्ज़ी के लिए काम आएंगे। तो अभी क्या कर रहे हो कासम भाई? बीज लगा रहे हो? बीज वाला। अच्छा, की वाव था मतलब? मतलब खालाना जो बनाना। अच्छा, चुंगी। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि मतलब जो भी खाल हैं जिसमें जो दाने ख़राब हो गए हैं उनमें ये दाने लगा रहे हैं, ताकि जो खाल हैं वो भर जाएं,
तो अभी लगा रहे हैं शायद एक दो दिन में, या इन जो फसल बड़े ये आपको नज़र आ रहे हैं इनके साथ ही ये शायद तैयार हो जाएं, या तो अगर तैयार भी नहीं हुए तो इतने बड़े हो जाएंगे कि इनमें सब्जी लग जाएगी। जब ये पक जाएंगे तो वो दूसरी जो अभी लगा रहे हैं वो वैसे तो नहीं सब्जी के काम आएगी। तो ये काका हारून है जो बीज लगा रहा है, ये आप देख सकते हैं एक एक दाना लगा रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। और ये पूरा खेत जो है कासम भाई का है, आधा टुकड़ा अपने जब्बार का है और आधा टुकड़ा जो है इसमें कासम भाई का है, और बाकी जो सारा खेत है वो अपना काके हारून का है। अच्छा, जब टोटल खेत पूरे जो हैं काके हारून के ही हैं, पर उनके बच्चे हैं जो एक कासम है एक जब्बार है, उनको अलग अलग टुकड़े दिए हुए हैं। हर किसी ने अपने हिसाब से अलग अलग ये खेत हैं जो है तैयार किए हैं। ये अभी कासम जो है अपनी मेहनत में मशगूल है, मेहनती है बहुत। जब भी अभी तो बारिशों का मौसम है तो अभी ये काम कर रहा है, नहीं तो वैसे कुल्फियाँ वगैरह बेच के मतलब अपना रोजगार, बहुत मेहनती है। अभी कुल्फियों का टाइम नहीं है, सर्दी हो रही है तो अभी बच्चे कुल्फी खाएंगे नहीं, तो अभी खेतों में मशगूल है। और सामने अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सामने अपना काका मलूक जा रहा है वो उसकी तरफ तकरीबन, ये अभी ये जो एक खेजड़ी नज़र आ रही है, एक दो खेजड़ियों या कुंभर के उसके बाद काके हाशम की खेत शुरू होते हैं। सामने ये देखो चौरा लगा हुआ है, छोटा चौरा बनाया हुआ है, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये सामने। और ये बीच में बिल्कुल बड़ा दड़ा है, ये छोड़ दिया है, इसको नहीं निकाला है, इसमें ज़्यादा गंद है घास है उस वजह से। अभी हम जा रहे हैं लतीफ़ भाई के पास, और दूसरा अमीर भाई है, ये अपना घेटिया लेके आया है, और लतीफ़ से पूछते हैं कि ये अभी क्या कर रहा है, घास भी नहीं निकाल रहा है, पता नहीं ऐसे रुका हुआ है। अच्छा अमीर भाई, आप क्या लेके आए हो, घेटिया? कहाँ पे घेटा, कहाँ पे, कहाँ पे? अच्छा उधर चढ़ा है। अच्छा, और वो सारे आज तो ऊँट यहीं पे लेके आ रहे हैं। ये लतीफ़ भाई है, ये जो पहले में काका हाशम का खेत बोल रहा था इसका बच्चा है, ये इनके खेत जो है उन तरफ है, वो वहीं साइड जो है ये पूरी ग्रीनरी नज़र आ रही है आपको, ये जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये ग्रीनरी नज़र आ रही है, ये सारे ये लतीफ़ भाई के इनके अबू के खेत हैं। काका हाशम मेरा काका होता है, चाचू है, जिसको अंग्रेज़ी में अंकल बोलते हैं, उसके खेत हैं। और ये सारे जो खेत नज़र आ रहे हैं आपको, ये काके हारून के हैं, और ये पूरे खेत का नाम है दार की। अभी यहाँ पे ऊँट भी चर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना घेटिया, इसको बहुत पसंद है, इसने शौक़ से लिया है, पता नहीं पैसों के लिए लिया है या शौक़ के लिए पाला है, उसके हिसाब से ये यहाँ पे चारने आए हैं, क्योंकि इनके खेत हैं जो बहुत दूर हैं, तो वहाँ पे बरसात का मौसम है ये डरते हैं, बिजलियाँ भी गिर रही हैं बरसात थर की जो है मौसम में, यहाँ पे बिजलियाँ बहुत गिरती हैं। अभी देखें ये खेत बाकी भाइयों के दूर हैं, तो उस वजह से ये सारे ऊँट जो हैं यहाँ पे लेके आए हैं। ये ऊँट कल वाले जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे तभी सिर्फ दो ऊँट थे, अभी चार पाँच हैं, सारे यहीं पर चल रहे हैं, ये देख सकते हैं। दो ये भी रुकी हुई हैं, ये शायद सांड है, इसको सांडड़ी बोलते हैं, होया नहीं का पांगड़ बोलते हैं थर में, छोटा बच्चा है जो अपनी माँ के साथ चर रहा है, सांड है, ये देख सकते हैं। ये चर रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये भी दो चल रही हैं, और बाकी दे तीन ऊँट ये रुके हुए हैं। ये इसके भाई के हैं, नाम क्या है आपका? ये रजाक भाई के हैं ऊँट दोनों, सांड है। और ये ऊँट है, ऊँटनी का बच्चा है या तोड़की है? ये ऊँट का बच्चा है ऐसे ना, तोड़की नहीं है, सांड नहीं है।
माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा देख सकते हैं। और उम्मीद है आप सब लोगों को कि ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।